माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी नहीं समझे, माँ को माँ, बहन को बहन और बेटी को बेटी नहीं समझे, ऐसे मर्दों से तो गंदी नाली के कीड़े अच्छे हैं और शिष्य तक की आबरू से खेलने वाले बाबाओं से तो गोरखपुर के हिजड़े अच्छे हैं। बहुत अच्छा बात। घर बाजार सड़क विद्यालय कहाँ सुरक्षित नारी है, शोषण हत्या बलात्कार बस यही सिलसिला जारी है। और बहुत हो चुकी भाषणबाजी, मुद्दों पर आ जाओ तुम, बाबाओं को जेल न भेजो, फांसी पर लटकाओ तुम। बहुत अच्छा है। चाहे सर भले ही कटे, ये लहराता अपना तिरंगा रहे, ये बात अंबर भाई ने कहा। लेकिन आज तिरंगा की स्थिति क्या है, कैसे हाथों में होना चाहिए और किस हाथों में है तिरंगा, मैं नमन करता हूं आदरणीय आपको और दादाजी को मैं नमन करता हूं। देखिए, सुनिएगा, पंक्तियां सुनिएगा। अपने अपने हाथ से बनारस की साड़ियां बुनते हैं। वासिफ भाई बहुत बड़े शायर हैं, उस्ताद शायर हैं, इनकी शायरी लोग चुरा चुरा के पढ़ते हैं। बहुत गीतकार हैं, आपने गीतकार समीर का नाम सुना होगा, क्यों दादा, बनारस के रहने वाले हैं, दादा से गीत लिखवाते थे, जिन्होंने लिखा घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े दूल्हे की नजर, ससुरार अधूरा रहता है, दूल्हे का दूल्हे का दूल्हे। बहुत बहुत भाई, हमारे गीत पूरा ना आया तो हम बनाए थे बिरजीत भाई। ये चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कि नफरती रंगों में रंगा अच्छा नहीं लगता, फूलों में रहो यार, टाउन में रहो। नफरती रंगों में रंगा अच्छा नहीं लगता, अमन चैन की बस्ती में दंगा अच्छा नहीं लगता। नफरती रंगों में रंगा अच्छा नहीं लगता, अमन चैन की बस्ती में दंगा अच्छा नहीं लगता, और मजहब के नाम पे लड़ाते हैं ये लोग, दुरंगे हाथों में तिरंगा अच्छा नहीं लगता, दुरंगे हाथों में तिरंगा अच्छा नहीं लगता। और देखिए, हमको जरा सी गर्मी महसूस होती है, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए जी, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। बात यह बतानी है अपनी कौम को, आस्तीनों में कभी सांप ना पाला जाए। ये चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं मैं कि कोई किस्सा तो कोई कहानी देते हैं, कोई किस्सा तो कोई कहानी देते हैं, उबलते लहू में तेज रवानी देते हैं, जब मांगती है माँ भारती अपने दूध की कीमत, मेरे हिंद के बेटे अपनी जवानी देते हैं, मेरे हिंद के बेटे अपनी जवानी देते हैं। और ये बात सच है, ये सारा जहान बोलता है, ये बात सच है, ये सारा जहान बोलता है, कहीं जमीन तो कहीं आसमान बोलता है, हमारे दिल में धड़कती है वादी कश्मीर, हमारी रूह में हिंदुस्तान बोलता है। बहुत अच्छा, शानदार, जिंदाबाद। और ये कि अपनी कलम अपनी जवान बेच रहे हैं, अपनी कलम, पंक्तियां अगर धड़कनों तक छू जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि अपनी कलम अपनी जबान बेच रहे हैं, वोटों के खातिर लोग ईमान बेच रहे हैं, और किसी ने कह दिया कि हिंदुस्तान सबका है, सब अपने हिस्से का हिंदुस्तान बेच रहे हैं, सब अपने हिस्से का हिंदुस्तान बेच रहे हैं, हिस्से का हिंदुस्तान बेच रहे। और जनगण मन अधिनायक जय है गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय है गाया जाता है, बड़ी अदाकारी से यह फर्ज निभाया जाता है, तिरंगा सदमे में है, सहमा हुआ है कि मुझे फहराने से ज्यादा तो दफनाया जाता है, मुझे फहराने से ज्यादा दफनाया जाता है। और सियासत का जाल तैयार कर, जो लोग कहते थे 2014 में कि बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, आज उनकी हालत क्या है, चार पंक्तियां दे रहा हूं मैं, कि सियासत का जाल तैयार कर रहे हैं, जलाकर गरीबों की बस्तियां व त्योहार कर रहे हैं, इधर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोरों पर है, उधर है कि बाबा बलात्कार कर रहे हैं, उधर है कि बाबा बलात्कार रहे हैं, बाबा कि प्रश्न उठ रहे हैं जनता के उन सब खद्दरधारी से, पकड़ पकड़ अपन कुर्सी छोड़ दे रहे हैं, पकड़ पकड़ अपन कुर्सी छोड़ दे रहे हैं, अब दिल्ली और लखनऊ में बहुत शोर दे रहे हैं, अब जिनका मुर्गा नोचे बिना गुजरे न एको शाम,
वो गौरैया बचाओ अभियान पे बहुत जोर दे रहे हैं। एक जोरदार ताली अंबर भाई के लिए बजाइए। अब आएगा कवि सम्मेलन मजाक के प्रश्न उठ रहे हैं जनता के उन सब खद्दरधारी से। प्रश्न उठ रहे हैं जनता के उन सब खद्दरधारी से, कैसे हमले हो जाते हैं इतनी पहरेदारी पे, समझौतों की बात नहीं अब मारो उन गद्दारों को, उनसे पहले फांसी दे दो सोए चौकीदारों को, उनसे पहले फांसी दे दो सोए चौकीदारों को। और ये चार पंक्ति और समर्पित करता हूँ मैं। तो कहो यार ये चौकी ना रख हम नहीं तू भाई समझत अपने के कि माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी नहीं समझे। माँ को माँ, बहन को बहन और बेटी को बेटी नहीं समझे, ऐसे मर्दों से तो गंदी नाली के कीड़े अच्छे हैं, और शिष्य तक की आबरू से खेलने वाले बाबाओं से तो गोरखपुर के हिजड़े अच्छे हैं। बहुत अच्छा बात कि घर बाजार सड़क विद्यालय कहाँ सुरक्षित नारी है, घर बाजार सड़क विद्यालय कहाँ सुरक्षित नारी है, शोषण हत्या बलात्कार बस यही सिलसिला जारी है। और बहुत औचकी भाषणबाजी, मुद्दों पर आ जाओ तुम, बाबाओं को जेल न भेजो फांसी पर लटकाओ तुम। बहुत अच्छा है। एक प्राइमरी का अध्यापक जब बाबा एक दिन खुद निरीक्षण की है, तो बाबा निरीक्षण के देखिए अध्यापक मतलब स्कूल में कुछ ऐसे ऐसे झूलत रहा कुर्सी पे, तब उसे कहें बाबा स्कूल समय से गुरु जी आया कीजिए, आ जाइए तो बच्चों को पढ़ाया कीजिए, घर पूरी नींद ले करके आया कीजिए, कुर्सी पे बैठ करके नहाया कीजिए। एक जोरदार ताली आप लोग बजाइए। एक अध्यापिका जो है बच्चों को पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते वो सो गई। इतने में जो है डिप्टी साहब आ गए चेक करने के लिए, जांच करने के लिए कि देखे पढ़ाई हो रही कि नहीं, और उस मैडम को जगाए। जैसे वो जागी बच्चों को समझाने लगे, देखो बच्चों कुंभकर्ण ऐसे ही सोता था। जोरदार तालियां बजाइए। ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। बहुत अच्छा है। किसी की शाम जश्न में डूबी, किसी की वीरान चली गई, किसी की शाम जश्न में डूबी, किसी की वीरान चली गई, जिंदगी करके मौत का फरमान चली गई, और किसी के भीतर का पानी मर गया, और किसी का पानी के लिए जान चली गई। और ये चार पंक्तियां भी देखिएगा। गंदी नियत गंदे कामों से खतरा है, गंदी नियत गंदे कामों से खतरा है, गंदी नियत गंदे कामों से खतरा है, ऐ सियासतबाजों तेरे कारनामों से खतरा है। और ये कहते हैं कि बेटी बचाएंगे, लेकिन हमें लगता है इनके कारनामों से खतरा है। एक जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि बेटी बचाने की बहुत बात होती है लेकिन बेटियां बच नहीं पाती। और ये छोटी सी कविता मैं पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा, याद करिएगा वो दौर। जी अच्छा अच्छा, तो ऐसे होता है ना, याद करिएगा वो दोस्त, वो मंजर याद करिएगा, 2019 वाला, जब पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व वैलेंटाइन डे के जश्न में डूबा था। जिस तरह से अभी उड़ीसा में एक घटना हुई, दुर्घटना, रेल घटना हुई, 2019 में भी एक घटना होती है और हमारे फौजी जवान 44 जवान शहीद हो जाते हैं। शायद याद आ गया होगा आपको पुलवामा हमला, उसी पर वेश पर एक कविता है, छोटी सी पढ़ता हूँ मैं, और रोंगटे खड़े हो जाए कहीं आपको दस्तक कर जाए कविता तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि केसर के हवाओं की खुशबू जहां पे बहती है, केसर के हवाओं की खुशबू जहां पे बहती है, इस जन्नत की धरती कश्मीर हमसे कहती है कि किसने इसके बेले बोई फूलों वाली घाटी में, कितने लाल दफन हो गए भारत माँ की माटी में, आखिर कब तक लहू बहेगा झेलम वाले पानी में, कितने की शादी तैती कुछ विधवा हुई जवानी में, अरे हवा हवाई खेल न खेलो अब तो अंतिम वार करो, बहुत पुराना रोग है अभी इसका उपचार करो। आतंकी हमलों से देखो दहल उठा पुलवामा था, और यहाँ पर शुरू हो चुका राजनीति का ड्रामा था, निंदा निंदा करते करते मल के कर रह जाते हैं, उन माओं का हाल न पूछो जिनके घर सो जाते हैं, भर आती हैं आंखें दिल भरता जज्बातों से, बच्चे पिता की चिता जलाते नन्ने नन्ने हाथों से, सर पे अपने बांध तिरंगा सरहद पर जो लेटे थे, नहीं किसी नेता के बच्चे वो किसान के बेटे थे, नहीं किसी नेता के बच्चे वो किसान के बेटे थे। सारे तंत्र तुम्हारे थे फिर बोलो कहाँ पे चूक हुई, सारे तंत्र तुम्हारे थे फिर बोलो कहाँ पे चूक हुई, था सवाल गंभीर पर मीडिया कैसे मूक हुई, बिना युद्ध शहीद हो गए भारत माँ के लाले, हाँ अपने मुंह में ठू बन के बजा रहे तुम गाले, हाँ कुछ सफेद बकलों का पूरा चरित्र देखो काला है, कैसे जहरीले सांपों को देश में हमने पाला है, और गद्दारी जो करे वतन से उसको वहीं दफन कर दो, भारत माँ का मान रखो, जासूसों को खत्म कर दो। वाह क्या बात है, क्योंकि
की नदी, नदी बरसात में अपनी धार बदल देती है, नदी बरसात में अपनी धार बदल देती है, रुकी हुई चाल की रफ्तार बदल देती है। जनता जब भूख प्यास और बेरोजगारी से त्रस्त हो जाती है तो अच्छे अच्छों की सरकार बदल देती है। ये कहते हैं कि दूर से रेत भी पानी का भरम देती है, दूर से रेत भी पानी का भरम देती है, भूख इंसान को हालात का गम देती है, और जब हद से गुजर जाती है किसी गरीब की आह तो कलम की कोख से बंदूक जन्म लेती है। साथियों, मैं शिव नरेश भाई अपनी बेरोजगारी के दिनों में कचहरी में सामान बेचा करते थे। उस समय इन्होंने डायलॉग एक बंजारे से सीखा था। मैं चाहता हूं जब अपनी बेरोजगारी के दिनों में, अब तो आप टीचर हो गए, आप बेरोजगारी के दिनों में जब सामान बेचते थे कचहरी में तो कैसे बेचते थे, उसकी स्टाइल इनको अभी तक याद है। वही स्टाइल आप अपने जनवासे में यहाँ हम लोगों को बता दीजिए, इसके बाद आप सीखा जाए। मेहरबान कदरदान साहिबान, जो लोग चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, पैसा लेकर जान लेते हैं, उनसे तो अच्छा मेरा बंदर बजाओ, मेरे बंदर के नाम पे ताले। बाबू सांप का जहर, बिच्छू का डंक, लोमड़ी की चलाके, गिरगिट का रंग, कौवे की काई काई, गधे की पीठ, घोड़े की उम्र, कुत्ते की दुम, इन सबको मिलाओ और अच्छी तरह से हिलाओ, ऊपर से डाल दो 10 किलो का रेता, 10 दिन बाद पैदा होगा दरबदी नेता। आपका कान साइन साइन करता है, कान से मवाद आती है, कान से मवाद आती है, कान से पानी बेहतर आता, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर डालते हैं, छोला समोसा खा करके पेट की बर्बादी का किस्सा सुनाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, आपका इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाता है, इस हाथ से पैसा आता है उस हाथ में चला जाता है। बाबूजी आप परेशानी हो जाते हैं, आपका बच्चा पास नहीं होता है, तमाम स्कूलों में नाम लिखवाते हैं लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाता है, आपकी किस्मत फूटी फूटी लगती है, आपको गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, भूत प्रेत से परेशान हो जाते हैं। बाबू जी मैं तमाम तरह की जड़ी बूटियां लाता हूँ, हिमालय पर्वत की कंदराओं से लाता हूँ, कूट पीस कर तैयार करता हूँ, अगर मेरी दवाई आपका काम आ जाए बाबू जी, अगर हिंदू भाई है तो मंदिर चले जाइएगा, मुसलमान भाई है तो मंदिर मस्जिद चले जाइएगा, वहाँ पे चादर चढ़ा दीजिएगा, मेरे पे नाम पे नहीं। बाबूजी आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में पहली बार आया हूँ, मेरे प्रचार गाड़ी के पास आ जाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो मेरे नाम पे नहीं, उस ईश्वर के नाम पे एक जोरदार तालियां बजा दीजिए बाबूजी आप। मगर तो पूछेंगे कि एक खेल वाले बता इस दवाई का कितना दाम है, इस तबीज का कितना दाम है, मैं कहूंगा बाबूजी हमारी तबीज का दाम कोई 200-500 नहीं, बाबूजी हमारी तबीज का दाम मात्र 10 रुपया। बहुत अच्छा भाई, तालियां हो जाए जोरदार तालियां, बड़ा कठिन सेवा करके गया लड़का।